हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर में। आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन में सबट्रैक्शन और फ्रैक्शन बताऊंगा। इससे पहले मेरे वीडियो में आप लोगों को एडिशन के बारे में बता चुका हूँ, एडिशन और फ्रैक्शन। तो आज आपका सबट्रैक्शन और फ्रैक्शन, सबसे पहले इसका हिंदी जान लीजिए। फ्रैक्शन इसको बता चुका हूँ भिन्न होता है, और सबट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना, और फ्रैक्शन माने भिन्नों का घटाना। इसे हिंदी जानेंगे तो हो जाएगा भिन्नों का घटाना। तो मैं आप लोगों को दो टाइप के क्वेश्चन इसमें रखता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाता है। मैं आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन लिख चुका हूँ, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन वन। एजी होता है इसमें देखेंगे, जो आपका हर है डिनोमिनेटर है इक्वल है, जब हर इक्वल होता है तब आपको जो ऊपर अंश है न्यूमरेटर उसी को सेपरेट कर दिया जाता है। तो आप पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए 8 7 4 5 7, तो इसमें देखेंगे हर इक्वल है इसको लिख दीजिए एक बार, और फिर जो आपका अंश है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको 8 4 कर देंगे और सबट्रैक्शन कर देंगे, आपका हो जाएगा 4 7। एजी होता है, लेकिन आपका जो एलसीएम के माध्यम से एलसीएम के द्वारा सॉल्व किया जाता है ये होता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे हर जो है डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो सबट्रैक्शन और फ्रैक्शन में देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन भी है इसमें आपका जो डिनोमिनेटर है हर है इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जाता है। तो लिखा जाएगा एलसीएम ऑफ 3 and 5, तो ही बगल में साइड में इसका एलसीएम निकाली जाता है 3 5। ये एलसीएम आप देखेंगे इसमें 2 से सोचना शुरू करते हैं, 2 से इसमें कोई डिवाइजेबल नहीं है, तो 3 देखते हैं, 3 में आपका है 3 1 3 होता है, 5 नहीं कटेगा तो इसको उतार दिया जाता है। अब 5 5 से कटता है, प्राइम नंबर है तो 5 इसको बोले 5 1 5, फिर इसी का मल्टीप्लाई कर दिया था 3 × 5 हो गया आपका 15, ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करते हैं, इसको मैं दो टाइप बताता हूँ, एडिशन वाले में दो टाइप बताया हूँ, जब बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो जो टाइप बताने जा रहा है इससे समझ में आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाओ इक्वल का, और बीच में एकदम बटा का चिन्ह बनाओ अपान का। बच्चे इसमें गलती करते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो गलत माना जाएगा, ठीक इसके बीच बीच में आपका इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। फिर जो एलसीएम लाया गया है वो नीचे लिख दिया जाता है हर के स्थान पर, डिनोमिनेटर के स्थान पर। फिर ये फ्रैक्शन जो आपके पास दो है इसी को यहाँ पर लिख के 2 लिखा जाता है, 9/3 − 6/5 एक गैप करके लिखा गया है। इससे रीजन क्या है कि जो एलसीएम आया है दोनों मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और 15 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, 15 यहाँ पर भी लिखा गया है। और फिर उसके बाद 3 से इसमें डिवाइड देते हैं, 3 5 = 15 और 5 3 = 15। उसके बाद फिर अगला जो लाइन होगा ये 5 × 9 है, आप चाहे तो 5 × 9 = 45 डायरेक्ट लिखिए, या आपकी मर्जी एक बार ऐसा लिख सकते हैं 5 × 9 − 3 × 6 3 × 6, और फिर नीचे आपका 15 रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 9 = 45 और 3 6 = 18 15, नीचे 15 लिख देंगे, और फिर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 45 + 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 15 में से जब 8 गया तो आपका 7 बचा, और यहाँ पर कैरी दिया था 3 में 7 गया 2 27/15। इसको सिंपलेस्ट फार्म में भी कर दिया जाता है क्योंकि ये 3 से डिवाइजेबल है, तो 3 से डिवाइड देंगे 3 5 = 15 और 3 9 = 15, फिर 9/5 ये आपका हो गया आंसर। तो इसको और दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं, ये छोटे बच्चे हो गए 4 से लेकर 5 तक बच्चे इस टाइप से समझ पाते हैं, और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सोचना उसको बताता हूँ, है वही क्वेश्चन, उसमें क्या होता है ये आपको नहीं लिखना पड़ता है, इतना चीज़ें आप दिमाग में किया जाता है सोच किया जाता है कैसे, तो उसको मैं बगल में बता देता हूँ। 9/3 − 6/5 एलसीएम निकाला गया है, एलसीएम 15 आया है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, एल आई ना लिखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा डीएम,
अब डीएम का फुल फॉर्म आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना होके मैच चल रहा है, डी से डिवाइड हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि पहले आपको डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई। डिवाइड किसी करना है तो पहला फ्रैक्शन 9/3 है, तो 3 देखेंगे आपका डेनोमीटर, डेनोमीटर से डेनोमीटर में आप डिवाइड करोगे, यानी कि 3 से आप 15 डिवाइड करोगे, जो इसका आंसर आएगा उसका 3 के ऊपर जो आपका आंसर है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 से 5 जब डिवाइड करेंगे 3 5 जब 15 होता है 5 होगा, और इस 5 को मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसके जो ऊपर ना आपका न्यूमरेटर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में सब प्रेशर किसने लिख दीजिए, फिर इस प्रक्रिया 5 से फिर आप 15 में डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, तो 3 लिख दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है आपको 6 में करना है, यहाँ पर फिर बटा के चिन्ह लिख के 5 9 45 और -3 6 18 15 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे वही चीज़ आया है, यहाँ भी यहाँ से यही लाइन पर इसमें नहीं आया है जो कि दिमाग में किया गया। तो वो छोटे बच्चे अक्सर इस टाइप का नहीं समझ पाते हैं, अगर आप लोग याद रखोगे डीएम मतलब पहले डिवाइड देना है फिर मल्टीप्लाई देना है, तो ये आपका एक लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। तब 45 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे वही जो यहाँ आया था 26 वही आएगा, और फिर इसको भी सिंपल फॉर्म में करेंगे यहाँ 5 आएगा यहाँ पर 9 आएगा, यानी कि 9/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन और दे दिया हूँ, उसको सोल्यूशन करते हैं। तो देखें सेम है लेकिन इसको दो तरीके से बताऊंगा, ये थोड़ा सा लेंदी होगा या 60 में होगा, तो 60 वाला समझिएगा, इसको पहले समझते जो बिल्कुल नहीं समझ पाता उसके लिए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो हर है डेनोमिनेटर है इक्वल नहीं है, इसका एलसीएम निकाला जाता है, तो साइड में ही आप 5 और 10 का एलसीएम निकाल सकते हैं। ये देखेंगे 2 से डिवाइडेबल आपका 10 है, 2 से डिवाइड करते हैं, 5 नहीं होगा इसको डाल दीजिए, 2 आप 5 लिया, उसके बाद 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, तो फिर लिखा जाता है इसमें एलसीएम आप 5 और 10, उसके बाद आपका एलसीएम आया है 2 × 5 = 10, एलसीएम आ गया है। अब बहुत ईजी है, इक्वल का चिन्ह लिखो और ठीक बीचों बीच में ना इसको ऊपर लिखा है नीचे लिखा है ठीक इसको बीच बीच में होना चाहिए, उसके बाद क्या करते हैं कि जो आपके एलसीएम है नीचे लिख दीजिए, आपके पास दो फ्रैक्शन है इसको दूर दूर गैपिंग करके लिख दीजिए, 11/5 - 6/10, हमने गैपिंग करके लिखा। गैपिंग क्यों किया गया है, इसका रीजन है ये जो आपका एलसीएम है इसी को मल्टीप्लाई दोनों में करना है, तो यहाँ पर 10 × और यहाँ भी 10 × करेंगे। अब इसको करने के बाद इस 5 से क्योंकि आपका ये डेनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है ये अंश है हर है इसे डिवाइड करते हैं, तो 5 × 2 = 10 हुआ और 10 × 10 हुआ, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्शन कर देते हैं। तो आप एक बार चाहें तो 2 × 11 लिखिए, तो आप 2 × 11 लिख दीजिए और -1 × 6, यहाँ पर देखेंगे 1 × 6 है, और फिर अपान का चिन्ह लगाओ 10, फिर इसका क्या करते हैं 11 × 2 = 22 होगा और -1 × 6 = 6 होगा अपान 10, बीच में माइनस है तो सबट्रैक्ट करेंगे 22 में से 6 गया तो आपका बच जाएगा 16/10। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी आपका अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको काट कर सकते हैं क्या आपका 2 से भी डिवाइजेबल है, 2 से 16 भी है, तो 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, यानी कि आपका आ गया है 8/5। इसको थोड़ा सा गैपिंग रखेंगे आप, टिचना होने पर गैपिंग रहना चाहिए, तो आपका आ गया 8/5। अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करता हूँ, इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा ये लाइन आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ये लाइन आप दिमाग में सोच के करोगे तो ये लाइन की बचत हो जाता है, आपका समय को बचत होगा। तो इसको करते हैं, इसमें क्या किया जाता है वही काम जिसमें किया है, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, एलसीएम आपका भी निकाला और 10 आया है, इसमें लाइन में लिखने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा डीएम, डी से डिवाइड एम से मल्टीप्लाई, तो पहले आपको डिवाइड देना है, डिवाइड किस में देना है ये आपका डेनोमीटर, डेनोमीटर से डेनोमीटर में आपको डिवाइड देना है, तो 5 से 10 में डिवाइड देंगे आपको मिलेगा 2, 5 × 2 = 10 होता है, तो 2 लिखिए, लेकिन 2 का फिर आपको मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसी के ऊपर जो आपका आंसर है न्यूमरेटर है उसी को मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस फिर 10 से वही प्रक्रिया बार बार करेंगे आपका 10 से फिर इसमें डिवाइड देंगे 1 मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है 6 में करना है, और फिर आप इसको
इधर जब देखेंगे आप यहाँ पर ही लाइन नहीं लिखा गया, यहाँ से ये लाइन ये लाइन सब सेम है। इतनी चीजें हम उसे सोच चुके हैं डीएम के माध्यम से, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, तो फिर इसमें सब प्रेशन कर देंगे आपका 16/10, फिर उसे डिवाइड में आपका आपका 2 से दोनों है तो 2 5 10 तो 8 16 यानी कि 8/5। तो देखेंगे दोनों का उत्तर सेम है, बस एक लाइन बड़ा हो गया, एक लाइन छोटा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, सब मल्टीप्लाई के बारे में होगा, मल्टीप्लाई या फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का गुणा कैसे आप करोगे, नेक्स्ट वीडियो मेरा यही रहेगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।